दोस्तों, अगर आप घूमने के शौकीन हैं और आप एक ऐसा हिल स्टेशन देखना चाहते हैं जो बहुत ही कम बजट में और कम समय में आप घूम पाएँ, तो पचमढ़ी हिल स्टेशन से अच्छा नहीं होगा। पचमढ़ी हिल स्टेशन मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है, जो कि भोपाल और इंदौर से कनेक्टेड है। तो अगर आप भोपाल पहुँचते हैं तो भोपाल से डायरेक्ट आप ट्रेन से पहुँच सकते हैं या फिर बस से भी पहुँच सकते हैं। और पचमढ़ी के पास का जो रेलवे स्टेशन है वो है पिपरई, तो यहाँ से आपको आसानी के साथ पचमढ़ी के लिए बसेस मिल जाएंगी। तो हम 2 दिन के लिए पचमढ़ी गए हैं और 2 दिन में हमने किस तरीके से पचमढ़ी के मेन मेन स्पॉट कवर किए हैं उनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। पहले दिन की ये वीडियो है, दूसरे दिन की हम अगली वीडियो डालेंगे, पार्ट 2। इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और देखिए हमने किस तरीके से कौन सा स्थान कवर किया है और हर एक स्थान की हम आपको विशेषता भी बताएंगे, साथ में हम आपको टिप्स भी बताते जाएंगे कि किस तरीके से आप होटल वगैरह सेलेक्ट करें, किस तरीके से आप कैब वगैरह करें, किस तरीके से आप घूमें, कितना समय लगेगा, तो पूरी जानकारी देंगे। साथ में ही हम आपको बताएंगे कि 2 दिन में आप अगर पचमढ़ी का टूर प्लान करते हैं तो आपको कितना खर्च आएगा। तो पचमढ़ी पहुँचने के लिए हम पिपरिया रेलवे स्टेशन पर लगभग 5 बजे पहुँच चुके थे ट्रेन से, और वहीं से हमने एक प्राइवेट कार की जिसके थ्रू हम पचमढ़ी पहुँचे। और हम लोगों ने पहले से होटल बुक नहीं किया था, तो होटल बुक करने के लिए हमें जो कार हमने हायर की थी उसी ड्राइवर हमको 2-3 होटल में ले गया, जहाँ से हमने एक अच्छा होटल सेलेक्ट कर लिया। तो लगभग 7 बजे हम होटल पहुँच चुके। तो पहले स्थान जहाँ पर हम गए वो है हांडी खोए, जो पचमढ़ी वन क्षेत्र की एक घाटी की तरह है और ये बहुत ही सुंदर और एकांत स्थान है। और यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर बहुत साल पहले कुछ सांप रहते थे जो बहुत ही जहरीले होते थे, और इसका आकार बर्तन के सामान होने के कारण इसका नाम हांडी पड़ा। और पचमढ़ी के लोग पहले इसे अंधी खो कहते थे, जो बाद में हांडी खोए के नाम से जाना जाने लगा। हांडी खोए अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो दूसरा स्थान हम लोगों ने जो सेलेक्ट किया वो है गुप्त महादेव पचमढ़ी। और गुप्त महादेव पचमढ़ी में स्थित एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और गुप्त महादेव बड़ा महादेव मंदिर से लगभग करीब 1 किलोमीटर दूर है, और ये चौरागढ़ के रास्ते में ही पड़ता है। अगर चौरागढ़ के मंदिर में आप जाएंगे तो उसके रास्ते में ही ये मंदिर पड़ता है। आपको मंदिर तक पैदल चलकर जाना पड़ता है, और यहाँ पर आपको एक सकरी गुफा देखने को मिलती है। इस तरीके की सकरी गुफा है जहाँ से आपको इस मंदिर के दर्शन अंदर जाकर करने होंगे, और एक शिवलिंग विराजमान है इस गुफा में। एक बार में केवल 8 लोग ही अंदर जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सक्रिय है, और उन लोगों को वापस भी आना पड़ता है, उसके बाद ही दूसरे 8 लोग जा पाएंगे। इस गुफा के बाहर हनुमान जी की विशाल प्रतिमा भी देखने को मिलती है, और यहाँ पर आपको जाके बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद हम लोग एक बहुत ही अच्छे ट्रैकिंग, अगर आप करने के शौकीन हैं तो आप चौरागढ़ पचमढ़ी मंदिर पर ज़रूर जाएं। बहुत ही अच्छा 2 से 3 किलोमीटर तक आपको पैदल चढ़ना पड़ता है, कई जगह आपको नीचा उतरना पड़ता है, कई जगह आपको ऊपर चढ़ना पड़ता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि लगभग बहुत काफ़ी ऊंचाई पर यह मंदिर विराजमान है, और ये बहुत ही धार्मिक स्थल है चौरागढ़ का ये मंदिर, जो कि भगवान शिव जी को समर्पित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इस मंदिर के रास्ते होते हुए जाएंगे तो ये पूरा जंगल से घिरा हुआ रास्ता है। तो रास्ते में जाते हुए हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया, क्योंकि स्टेयर्स बहुत ज़्यादा थे, लगभग 3 किलोमीटर का हमें रास्ता पार करना था, और काफ़ी ज़्यादा मज़े किए हम लोगों ने सभी ने मिलकर। तो ऊपर मंदिर के चढ़ते ही आप जैसे एंट्री लेते हैं तो आपको बहुत सारे त्रिशूल देखने को मिलते हैं। इन त्रिशूल को यहाँ पर चढ़ाने की भी एक अद्भुत कहानी है।
जो लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है वो ये त्रिशूल चढ़ाने आते हैं बाद में। तो हमने बाहर से भी इन त्रिशूलों को देखा तो बहुत ही अच्छा नज़ारा था। फिर हम धीरे धीरे मंदिर की ओर, जो मेन मूर्ति है, वहाँ की ओर चल दिए। कैमरा अलाउड नहीं था, फिर भी हमने भगवान के दर्शन किए और जितना हो सका उतना हम लोगों ने शूट किया। भगवान शिव की मूर्ति विराजमान है इस चौरागढ़ के मंदिर में। तो मंदिर से बाहर होते ही हम उन त्रिशूलों की तरफ गए जहाँ पर लोगों ने अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने के बाद जो लगाए थे, तो बहुत सारे लोग उन पर धागे बांध रहे थे। तो हम लोगों ने भी उन त्रिशूलों पर धागे बांधे। चौरागढ़ के मंदिर के चारों तरफ बहुत ही अच्छा नज़ारा था। अगर आप फ़ोटो वगैरह खींचना चाहते हैं तो बहुत अच्छा व्यू आता है। तो हमने पूरे मंदिर की वीडियो बनाई, साथ में हम लोगों ने वहाँ पर अच्छे अच्छे फ़ोटो भी खींचे, क्योंकि बहुत काफ़ी ज़्यादा ऊपर थे और नीचे चारों तरफ हमारे हरियाली थी। चौरागढ़ से लगभग एक घंटे की दूरी हम तय करते हुए बड़ा महादेव मंदिर, जो हम जहाँ से हमने स्टार्ट किया था गुप्त महादेव मंदिर, उससे लगभग एक किलोमीटर दूर पर बड़ा महादेव का मंदिर है, जो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है और बहुत सारे लोग इस मंदिर में आते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर बंदर बहुत होते हैं, तो अगर आपके हाथ में कुछ भी सामान है तो उसे अपनी जेब में रख लें, नहीं तो बंदर ले जाते हैं उस सामान को छुड़ा कर। तो ये बड़ा महादेव के मंदिर की तरफ हम लोग चल दिए हैं। बड़ा महादेव मंदिर की खासियत ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा पहाड़ी में बना हुआ एक मंदिर है और इसके बीच में एक कुंड है जिसमें पानी लगातार आता रहता है। तो ये पानी पूरा रिसता हुआ चट्टानों में से आता हुआ इस कुंड में इकट्ठा होता है और बीच में ही भगवान भोलेनाथ की पिंडी विराजमान है। ये पूरी तरीके से प्राकृतिक महादेव का मंदिर है। बड़ा महादेव के बाद हमें जो हमारा लास्ट स्पॉट इस आज के दिन का है वो कवर करना था और उसके लिए हम लोग चल दिए। इसके लिए हम हमारे पचमढ़ी लेक, जहां पर हम बोटिंग और साथ में पैरासेलिंग, ये दो हम कर सकते थे, इसके लिए हम पचमढ़ी लेक पर पहुंचे, जहां पर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो हम लोग वहाँ पर पहुँचे। एक तो मौसम चारों तरफ का बहुत अच्छा था, दूसरा नज़ारा बहुत अच्छा था क्योंकि पहले से ही बोटिंग हो रही थी। तो हम लोगों को थोड़ी देर के लिए देखा, उसके बाद फिर हमने भी एंजॉय किया। तो आप भी इस वीडियो को देखिए। तो पहला दिन हमारा कवर हुआ, अब हम दूसरे दिन की वीडियो आपको कल डालेंगे। उस वीडियो को पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, जिससे इसी तरह की ट्रेवल की वीडियो आपको मिलती रहेगी। कल फिर मिलेंगे।